जा, अब तो आए जा, हम कॉलेज जाए जा, अब तो आए जा, हम कॉलेज जाए जा, hands up high, तो आए जा, हम कॉलेज जाए जा. Hi guys and welcome back to our next video. So technically आज हमारा चौथा दिन है गोवा में और आज हमने सुबह से जस्ट ब्रेकफास्ट करके हम लोग रूम में आके सो गए थे, क्योंकि क्या है ना, गोवा आने के चक्कर में मतलब यहाँ पे आके हम बोल रहे हैं कि इतने दूर आ गए हैं, सब जगह देख लेते हैं, उसके चक्कर में ना बंदा थक जाता है और मजा नहीं कर पाता. भाई मेरा फंडा ये है, अगर वैकेशन पे आओ तो वैकेशन को वैकेशन की तरह ट्रीट करो. तो आज हमने मस्त 4 से 5 घंटे की ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमने नींद ली है और इस समय हम बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हैं. तो मैं इस समय रेडी हूँ, मैडम रेडी हो रही हैं. अब एज यूजुअल भाई मेरा तो 2 मिनट में हो गया था, मैं तो 2 मिनट में तैयार होके मस्त बैठा हूँ, बट मैडम के मेकअप खत्म ही हो रहे. मैडम को आधा घंटा हो गया मेकअप करते हुए. कब चलेंगे? I need time. How much? तो आज का प्लान ये है कि आज अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम सीधे जाएंगे ब्रिटोज में. ब्रिटोज में जाके लंच वहीं पे करते हैं, उसके बाद में हम निकलेंगे आज सनबर्न के लिए बेसिकली. अरे बाय द वे मैं तो भूल ही गया, हमारे इसमें पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री स्पा भी है. आज सुबह से हम लोग रूम में थे, हम जा सकते थे पता, बट यस हम जाने से पहले लेंगे, कल सुबह आएंगे एक बार. अच्छा ये कल मैंने शायद आपको दिखाया नहीं था, यहाँ पे ना पीछे देखो, यहाँ पे ऑन फील्ड चेस बोर्ड बना हुआ है. ये मर जाएगा. एक काम करो, ये वाला जो घोड़ा है ना उसको यहाँ पे कर दो तो वो इसको मार सकेगा. क्या है नहीं, 1, 2 and 3. मेरे ओपोनेंट कोई नहीं है अभी. हमको उन्होंने ना 2 कीज दी हैं, 2 स्कूटीज उन्होंने देखने के लिए दी हैं कि जो हमको पसंद आए वो रख सकते हैं. तो अभी स्कूटीज ढूंढ रहे हैं. उसका हेलमेट अच्छा नहीं, इसमें हेलमेट ही नहीं. वो वाली जो स्कूटीज देखी वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, उसमें एक में हेलमेट अच्छा नहीं है, दूसरी स्कूटीज भी बेकार सी हैं. अभी हमने यहाँ से पता किया है, ये बोल रहे हैं कि इनके पास में स्कूटी अच्छी है, मिल जाती है. लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये पसंद आई तो ये ले लेंगे. वी गॉट द कीज और अभी हमको ये एक्टिवा मिल गई है फाइनली. ये थोड़ी सी साफ़ है, देखा जाए जितना भी हैवी लोड था ना हमने ऑलरेडी वापस रख दिया है. जितने जो हैवी कैमराज वगैरह थे, लेंसेज थे, वो मैंने रूम में रख दिए. तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ब्रिटोज से बाद में हम अगर ज़्यादा लेट हो गए तो हम वहीं से निकल जाएंगे. ये वाला कैमरा आई थिंक इसकी डिक्की में आ जाएगा. अभी यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे पेट्रोल पम्प, ATM, हमको थोड़े से पैसे भी निकालने और उसके बाद में हम आगे अपने फेस्टिवल के लिए जाएंगे. सो फाइनली वी हैव रीच्ड ब्रिटोज, यहाँ पे हम लंच करने आए हैं अभी. ब्रिटोज बेसिकली इज द मोस्ट हैपनिंग रेस्टोरेंट इन नॉर्थ गोवा, बागा में सबसे ज़्यादा हैपनिंग प्लेस ही है. तो मैंने पहले से सोच कर रखा था कि यहाँ पे एक बार तो हमको आना ही है. देयर आर फ्यू प्लेसेज जो हमने टिक मार्क करके रखी हुई है, उसमें से एक प्लेस ये भी है. तो वहाँ पे बीच फ्रंट है पीछे और उसके सामने एग्जैक्टली ये है. तो यहाँ पे हम कोई टेबल ढूंढते हैं, वहाँ बैठते हैं. We have ordered spaghetti pasta. Place is crazy, crazy. मजा आ रहा है. यही रह जाए? यही रह जाऊँ. We are done with our food. अभी हम बाहर आ गए हैं. अभी सोच रहे हैं एक बार सनबर्न जाने से पहले है ना थोड़ा बीच का मजा ले लेते हैं. टाइम है अभी हमारे पास में. करानी है? करा लो ना. एक कराओ? हाँ कराओ ना. रेडी बना लो मैडम. अच्छा तो बनाना, ठीक है. ये मुझे कल से बोल रहे थे कि इसको बालों में ये करवाना है. आज पानी लेने को मौका लगा, आज ये करवा लेते हैं. भैया आपको रोज बना के यार. आपका तो रोज का है. हर रोज यही काम है ना. अरे वाह. तो दिस इज बागा बीच. यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी सारी भीड़ है. यहाँ पे अगर कोई गोवा आ रहा है तो वो यहाँ पे तो पक्का ही आता होगा. और इनफैक्ट कल जब हम रात में जब आए थे ना तो किसी के कुछ आई थिंक यहाँ से 4 या 5 रेस्टोरेंट छोड़ के हम यहाँ पे बैठे थे. बट कल हम लोग ऑल द वे वॉक करके आए थे वहाँ से जहाँ पे हम थे. थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में, अभी हम जस्ट सनबर्न के लिए जाने वाले हैं तो उससे पहले सोचा थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते. छोटे बच्चों का हाथ ना छोड़िए.
I need to see you jumping right now, dude. What's up? Let's go.